यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसे क्रिमिनल, एक ऐसे कैदी की है जिसे दुनिया के सबसे सेफ जेल में रखा गया था जो समंदर के चारों तरफ से घिरा है। उस समय में जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था, ना ही किसी के भागने की संभावना है, लेकिन आगे जो हुआ उसका राज आज भी राज ही बना हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्रैंक नाम के आदमी से, जो एक अपराधी है जो कई प्रकार का अपराध किया है। जब उसे जेल में ले जाया जा रहा था तो एक एक करके कई सारे जेल से भी भागा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज है। इसके इसी के अपराध से इसे अमेरिका के एक ऐसे जेल में शिफ्ट करने का फैसला किया गया जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया, जिस जेल का नाम था अल्कात्राज, जो समुन्द्र के बीच एक आइलैंड पर है। फ्रैंक के वहां जाने के बाद उसकी अच्छी तरह से छानबीन की गई। उन्हें यह पता करना था कि कहीं अपने साथ कोई ऐसी चीज तो नहीं ले आया जो बाकी कैदियों को नुकसान पहुंचा सके या फिर यहां से भागने की कोशिश कर सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता उसके पास से। अब उसे भी बाकी कैदियों की तरह जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अगली सुबह जब जेल का सीनियर, जिसका नाम था पैट्रिक, फ्रैंक को मिलने के लिए अपने पास बुलाता है, पैट्रिक उसे समझाने लगा, जब कोई इंसान समाज में जुर्म करता है तो उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन जब कोई जेल का नियम तोड़ता है तो उसे यहाँ अल्कात्राज में भेजा जाता है। चोरी, धोखाधड़ी, तस्करी के जुर्म में तुम कई बार जेल जा चुके हो और वहाँ से भागने की कोशिश भी किए हो, लेकिन यहाँ से आज तक कोई नहीं भाग पाया। कईयों ने भागने की कोशिश भी की, कुछ तो खाड़ी में गिरकर मारे गए, कुछ को गोली मार दिया गया। इस जेल को बनाने का मकसद समाज के सभी सड़े हुए अंडे को यहाँ एक जगह पर रखना है। यहाँ अच्छे इंसान नहीं बल्कि अच्छे कैदी बनाए जाते हैं। फ्रैंक के यहाँ बुलाने का एक ही मकसद था, पैट्रिक को उन लोगों का नाम लिखना था जो उससे मिलने के लिए यहाँ आ सकते थे, लेकिन वह किसी का नाम नहीं बताता, चला जाता है वहाँ से। मगर जाने से पहले वहाँ से एक नेल कटर को भी अपने साथ ले गया, जिसके बारे में पैट्रिक को भी नहीं पता चल सका। अगली सुबह फ्रैंक जब नहाने के लिए गया था तो उसके पास एक कैदी आया जिसका नाम था ब्रूस, जो एक नंबर का हरामी है, जिस वजह से ब्रूस और फ्रैंक के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें फ्रैंक बुरी तरह से उसे पीटा। अगले दिन से फ्रैंक को एक ड्यूटी पर लगाया गया। उसका काम था सभी कैदियों को किताब देना, मगर उससे पहले वहाँ इंग्लिश नाम का एक शख्स पहले से ही काम करता था जिसने दो गोरे लोगों को मारा था, जिसकी वजह से वह भी यहाँ पर कैदी के रूप में है। यहाँ फ्रैंक और इंग्लिश के बीच काफी बातें हुई जिससे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए, आपस में घुल मिल गए। अगले दिन सभी बाहर बैठे थे जहाँ फ्रैंक दोबारा से इंग्लिश के पास जाकर बैठ गया। दोनों आपस में बातें करने लगे। इसी बीच इंग्लिश बताने लगा, इस जेल से आज तक कोई नहीं भाग पाया। आमतौर पर एक गार्ड 7 कैदियों पर नजर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गार्ड सिर्फ 3 कैदियों पर नजर रखते हैं, इसलिए भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अगर वह किसी तरह से इन दीवारों के पार भी चला जाए, लेकिन साइलेंट को पार करना लगभग असंभव है। समुद्र को पार करने के लिए उन्हें लगभग 1 मील का सफर तय करना होगा। अगर कोई प्रोफेशनल तैराक भी हो तो वह भी इतने लंबे समय तक नहीं तैर पाएगा, क्योंकि लहरें इतनी तेज होती हैं। 1 मील का लंबा रास्ता कब कई मील में बदल जाए कोई सोच भी नहीं सकता। ऊपर से पानी इतना ठंडा रहता है इंसान के खून भी जमा दे। एक पल के लिए मान भी लें, इन सब प्रॉब्लम को वह पार भी कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी एक समस्या है, क्योंकि यहाँ पर रोज लगभग 12 बार कैदियों को गिना जाता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद फ्रैंक को कुछ समझ में नहीं आता। अब उसी रात जब फ्रैंक अपने जेल में था, उसके पास एक गार्ड आकर बताने लगा कि उसके लिए लकड़ियों का काम है जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कैदियों से काम भी करवाया जाता है जिसके बदले उन्हें दिए जाते हैं पैसे। अगली सुबह सभी कैदी बाहर थे, जिसमें से फ्रैंक भी है। इतने में एक चाकू के साथ ब्रूस पहुँचता है। यह वही है नहाते वक्त फ्रैंक और उसके बीच जो हाथापाई हुई थी, लेकिन फ्रैंक के साथ जो कैदी था वह बता दिया कि तुम्हारे पीछे हमला होने वाला है, इसलिए सही समय पर फ्रैंक उससे बच लिया। दोनों के बीच हाथापाई देख वहाँ के गार्ड आकर दोनों को अलग अलग किए और ले जाकर बंद कर दिए एक काल कोठरी में जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। यहाँ फ्रैंक की गलती तो नहीं थी, मगर उसे भी सजा भुगतना पड़ा। कुछ दिनों बाद फ्रैंक को जेल से निकाल दिया गया, मगर मोटे को अभी नहीं निकाला गया था। बाहर आकर उसकी मुलाकात डार्क नामक शख्स से हुई, जिसे पेंटिंग करना काफी पसंद है। वह हमेशा पेंटिंग करता रहता था। एक दिन वह वहाँ के गार्ड का एक कार्टून पिक्चर बनाया जिससे सभी उस पर गुस्सा हुए। अब उसे उसका पेंटिंग ब्रश भी छीन लिया गया है कि तुम यहाँ पेंटिंग नहीं बना सकते। यही एक काम था जिसे करके वह अपना टाइम पास करता था, क्योंकि वहाँ टाइम बिताना भी एक सजा की तरह है। इस बात से वह इतना नाराज हुआ कि अपनी सारी उंगलियाँ ही काट दिया जिससे पेंटिंग बनाया करता था। इस मंजर को देखकर सभी कैदी हैरान हो गए। उसी रात फ्रैंक जो अपने जेल में था, इसी बीच उसकी नज़र पास के जाल पर पड़ी। जैसा कि इस जेल के बने हुए काफी साल हो चुके थे, इस वजह से उनकी दीवारें पहले से काफी कमजोर हो चुकी हैं। उसके पास जो नेल कटर है उसकी मदद से दीवारों को खरोचने लगा, जो बड़ी आसानी से टूटने लगी। आज का रात तो इसी तरह से बीत गया।
अगले दिन फ्रैंक की मुलाकात दो और नए कैदियों से हुई, जिसे वो पहले से भी जानता था, जो पहले भी जेल में उनके साथ रहते थे। यहाँ उन्हें 15 साल की सजा हुई है। फ्रैंक अब मुद्दे की बात करता है, जिसके पास बगल वाले कोठरी में एक और कैदी है। तीनों को बताने लगा, यहाँ से निकलने का मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। हमारी कोठरी में जो छोटी सी जाली है, उसकी दीवारें कच्ची हो चुकी हैं। वहाँ से छेद बनाकर हम पीछे के रास्ते से जेल से निकल सकते हैं। इस बात का भी डर है, दीवार के छेद करते हुए गार्ड उन्हें देख भी सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा छेद जिसमें से एक आदमी निकल सके, उसे एक दिन में तो बनाना पॉसिबल नहीं था। इसका भी वे सलूशन ढूंढ चुके थे। वे मैगजीन और गद्दे की मदद से एक पतला सा प्लेट बनाएंगे, जो दिखने में हूबहू दीवार की तरह दिखे, जिससे वह किसी तरह से उन लोगों के नजरों से बचाकर रखेंगे। लेकिन जब ये चारों यहाँ से निकलेंगे, तो उस वक्त भी गार्ड की नज़र उन पर होगी। इसके लिए उन्हें इंसान की एक डुप्लीकेट सिर बनाना पड़ेगा, जिससे बिस्तर पर रखकर ये गार्ड को चकमा दे सकेंगे। उन्हें लगेगा कि वे सो रहे हैं। अब सबको उनका काम बताया गया। पहले वाले को, जो बाल वाले की जगह काम करता था, उसे बाल लाने के लिए कहा गया। दूसरे वाला, जो काम करता था कपड़े के पास, उसे वहाँ से रेनकोट लाने थे, जिसकी मदद से ये लाइफ जैकेट और काम चलाऊ बोर्ड बनाया सके। ये चारों मिलकर ऐसे काम को अंजाम देने वाले थे, जिसे आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। अगले 4 हफ्तों तक चारों अपने अपने जेल में दीवारों में छेद करते रहे। चारों को इस बात का भी ध्यान रखना था, किसी भी तरह से गार्ड को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए एक दीवार में छेद करता तो दूसरा नजर रखने के लिए तैनात रहता था जेल के बाहर। फ्रैंक बीच बीच में नेल कटर को भी आग में जलाकर उसे बिल्कुल धारदार बनाता रहता था। खाने के दौरान वे चम्मच को भी चुरा लिया करते थे। अब और कई हफ्ते बीतने के बाद ये दीवार में काफी छेद कर चुके थे, लेकिन जाली अभी तक हटी नहीं थी। जाली हटाने के लिए जब वे लोग काम पर थे, तो वहाँ से एक मेटल के टुकड़े को ले लिए, जिससे वह जाल को तोड़ेंगे। लेकिन फ्रैंक जब उसे हाथ में पकड़कर बाहर निकल रहा था, तो मशीन का अलार्म बज गया, इसलिए उस मेटल को गार्ड उनसे ले लिया। फ्रैंक कहने लगा कि इसे मैं सिर्फ कपड़े को टांगने के लिए लिया हूँ। इसके बावजूद भी गार्ड उस मेटल को ले लिया, लेकिन उसे कहाँ पता था फ्रैंक एक दूसरा मेटल अपने जूते में फंसाया हुआ है। इस तरह चालाकी से फ्रैंक दूसरे टुकड़े को लेकर पहुंचता है अपने जेल में, जिसकी मदद से वह जाली को निकाल दिया। अब उस हाल में गार्ड की नजर न पड़े, इसलिए एक नकली जाल बनाई गई, ताकि वह उस हिस्से को छुपाया जा सके। लेकिन उसे दीवार के कलर में पेंट करना था। इसके लिए अपने साथी चार्ली से ड्राइंग पेपर के साथ कुछ कलर भी मंगवाता है। गार्ड भी लाकर बड़ी शान के साथ दे दिया, जिसकी मदद से ये उसे दीवार के कलर में पेंट कर दिए। साथ ही इन्होंने जो इंसान के सर बनाए थे, उसे भी कलर कर दिए, जिसे वे भागते वक्त अपने बिस्तर पर रखे रहेंगे। गार्ड को लगेगा कि ये सो रहे हैं। अब फ्रैंक का छेद पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। इस तरह पहली बार वह उस जेल से बाहर निकला। फ्रैंक इस तरह पीछे के रास्ते से धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जब आखिरी छोर पर पहुंचा, तो ऊपर देखा तो लोहे की जाल है, उसे हटाए बगैर ऊपर नहीं जा सकता था। वह जाल काफी ऊंचाई पर भी था, जहां फ्रैंक का हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए सही समय पर वह वापस अपने सेल में आ गया। अगर थोड़ी भी देर होती तो एक गार्ड जो उसे जेल की तरफ आ रहा था, उसे देख लेता। अगले दिन जब अपने तीनों साथियों के साथ खाना खा रहा था, तो तीनों को बताने लगा, कल रात मैं ऊपर गया था, जहां एक रोशनदानी है, उन्हें किसी भी तरह से उसे हटाना होगा। इसी बीच उनका जो एक कपड़े के इलाके में काम करता था, वह हर बार एक नए रेनकोट को पहनकर आता था, जिसकी मदद से ये बोर्ड बनाने वाले थे। जैसा कि फ्रैंक को रोशनदानी हटाने के लिए किसी एक की जरूरत थी, इसलिए फ्रैंक जॉन के साथ उसी रात ऊपर गया, जहाँ जाने पर इन्हें पता चला, अगर इस रोशनदानी के सरिये को फैला दिया जाए, तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। ऊपर भी लोहे का छत था, इसलिए रास्ता बनाने के लिए उन्हें ड्रिलिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। अगली सुबह एक आदमी से मिले, जो वर्कशॉप में काम करता है। फ्रैंक उससे मदद मांगता है, क्या वह उसके लिए ड्रिलिंग मशीन ला सकता है। काम मुश्किल था, लेकिन वह उन्हें ड्रिलिंग मशीन लाकर दे दिया। उसी रात फ्रैंक और जॉन दोबारा ऊपर गए। रोशनदानी के सरिये को फैलाकर फ्रैंक ऊपर गया, जहाँ पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ आवाजें भी हुई। नीचे का गार्ड, जिसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, वह धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा। इस बार भी उनकी किस्मत अच्छी थी, वह उन लोगों को देखता, इससे पहले दोनों वापस अपने जेल में आ गए। लेकिन अभी भी 4 में से 2 लोगों का काम बाकी है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ कुछ ही हफ्तों में बाकी लोग भी अपना काम कम्प्लीट कर लिए। लेकिन लाइफ जैकेट और रेनकोट तैयार होने में कुछ दिन लगने वाले थे, जो मंगलवार तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए मंगलवार को यहाँ से निकलने का डेट डिसाइड किए। इनके इस तरह के काम से कर्मचारियों पर इन पर शक हुआ, तो वे फ्रैंक के जेल में आकर सारे सामान, यहाँ तक कि बिस्तर, सारे चीज बाहर निकाले और उन्हें चेक भी किया। इसी बीच उन्हें दीवार का वह हिस्सा भी दिखाई पड़ा, जहाँ से होल हुआ है। लेकिन ये लोग उसे इस तरह पेंटिंग किए थे, वह बिल्कुल दीवार की तरह दिख रहा था, इसलिए ये दोनों वहाँ से निकल आए। लेकिन जब सीनियर ऑफिसर अपने गार्ड से पूछने लगा कि क्या तुम फ्रैंक को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा है, वह कुछ देखा तो नहीं था, मगर इतना बताता है कि वह रात रात चार्ली से बातें करता रहता है।
इसलिए सीनियर ऑफिसर फ्रैंक को एक दूसरे जेल में शिफ्ट करना चाहता है। इसके लिए गार्ड को कुछ वक्त चाहिए था ताकि एक नया जेल तैयार कर सके, साथ ही कागजी कार्रवाई भी कर सके, जो काम बुधवार तक हो जाने वाला था। इसलिए वे फैसला किए मंगलवार तक वे अलग जेल में शिफ्ट कर देंगे फ्रैंक को। अगर ऐसा हुआ तो मंगलवार को ये चारों जो प्लान किए हैं तो वह पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। अब तो वह मोटा वुल्फ भी काल कोठरी से बाहर आ चुका था। वह एक बार फिर से फ्रैंक को मारने के लिए उसकी तरफ कांच के टुकड़े के साथ बढ़ने लगा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब होता। फ्रैंक का दोस्त इंग्लिश उसे पकड़ लिया। अब इस तरह चारों फैसला किए कि यहाँ से यह निकलेंगे। रात होने पर सभी अपने जेल से बाहर निकलने लगे। इसी बीच चार्ली थोड़ा सा घबराया हुआ था, इसलिए वो अपने जेल से बाहर नहीं निकल पाया। इसीलिए तीनों को अकेले ही जेल से भागना पड़ा। धीरे धीरे करके ऊपर गए जहाँ हर चप्पे पर गार्ड मौजूद हैं। मगर ये सबसे बसते बसते जेल से बाहर निकल गए। बीच में तो ऐसा लगा कि ये पकड़े गए, मगर किस्मत ने उनका साथ दिया। ये बसते बसते आखिर में समुंदर के किनारे पहुंच गए, जहाँ पहुंचकर पास लिए लाइफ जैकेट और बोर्ड में मुंह से हवा भरकर समुंदर में उतर गए और बढ़ने लगे आगे। सुबह होने पर जब गार्ड फ्रैंक को उठाने लगा तो मालूम पड़ा कि फ्रैंक है ही नहीं, वहाँ तो एक पुतला है। यह देखकर वह तुरंत अलार्म बजाया। उसी जेल के सामने इंग्लिश भी था, जो यह सब देखकर हंस रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही आभास हो चुका है कि ये लोग यहाँ से भागने वाले हैं। उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस गार्ड, हेलीकॉप्टर, सब कुछ समुंदर के किनारे आकर उनकी तलाश शुरू कर दिए। उनका तो कुछ पता नहीं, लेकिन उन्हें जॉन के भाई का फोटो और रेनकोट के कुछ टुकड़े भी मिले। सीनियर ऑफिसर्स का मानना है कि वे डूब गए, लेकिन गार्ड यकीन करने को तैयार नहीं था। उसका मानना है कि जैसा कि रात के वक्त कोहरा बहुत ही कम था, लहरें भी हल्की थी, अगर वे रात को ही निकले होंगे तो उनके पास पूरे 9.5 घंटे थे, शायद वे लोग निकल गए। मगर सीनियर ऑफिसर्स एक ही बात का रट लगाया था कि वे डूब गए, लेकिन अंदर से उसे भी पता है कि वे बचकर निकल गए हैं। यह पहली बार हुआ था कि कोई अल्कात्राज से भाग गया, लेकिन कुछ का यह भी मानना है कि वे समुन्द्र में डूब गए। इसलिए खोजकर्ताओं को उन्हें ढूंढने के लिए समुन्द्र में भेजा गया, लेकिन उन लोगों की डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। मतलब साफ था तीनों अल्कात्राज से भाग चुके थे। तो यह थी कहानी स्क्रिप्ट फॉर अल्कात्राज। आपको क्या लगता है, वे जिंदा निकल पाए होंगे या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।